हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास सो ये क्लास थ्री के कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज है जो हम आज करेंगे सो so, इसका फर्स्ट है क्वेश्चन टिक द करेक्ट आंसर डैश मींस टू कैलकुलेट और काउंट इसमें से किसका मीनिंग होता है कैलकुलेट या काउंट करना तो ऑप्शन ए कंप्यूट इसका करेक्ट है कंप्यूट का मीनिंग होता है कैलकुलेट या फिर काउंट करना जिससे कंप्यूटर वर्ड बना है सेकेंड है आफ्टर प्रोसेसिंग द कंप्यूटर शोज द फाइनल रिजल्ट एज एन जो कंप्यूटर है प्रोसेस करने के बाद में रिजल्ट कैसे शो करता है एज एन आउटपुट तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है आउटपुट करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड है हार्डवेयर द फिजिकल कंपोनेंट्स अटैच टू अ कंप्यूटर तो जो फिजिकल कंपोनेंट्स कंप्यूटर से अटैच होते हैं उसे क्या कहते हैं हार्डवेयर तो ऑप्शन बी करेक्ट है फोर्थ है सॉफ्टवेयर इज मेनली ऑफ डैश टाइप सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं टू टाइप्स के होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है फिफ्थ है सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन डूइंग सम स्पेसिफिक वर्क इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कुछ स्पेसिफिक वर्क करने के लिए हमें हेल्प करता है तो बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसके बाद है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट के लिए टी और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है फर्स्ट है कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म अ अराइटी ऑफ टास्क एफिशिएंटली कंप्यूटर कह रहा है कि कंप्यूटर वरायटी ऑफ टास्क एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर सकता तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है नेक्स्ट है सिस्टम यूनिट इज आल्सो कॉल्ड अ कंप्यूटर केस यस तो कंप्यूटर केस भी कहते हैं सिस्टम यूनिट को हार्ड डिस्क इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर नो हार्ड डिस्क को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर नहीं कहते हैं तो ये फॉल्स है सीपीयू को कहते हैं फोर्थ है आउटपुट इज द फाइनल रिजल्ट वी गेट थ्रू आउटपुट डिवाइसेस तो आउटपुट एक फाइनल रिजल्ट होता है जो हमें आउटपुट डिवाइसेस से मिलता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है इसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हम उस स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म नहीं करते हैं ये फॉल्स है हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से परफॉर्म करते हैं तो लास्ट वाला स्टेटमेंट यानी कि फिफ्थ स्टेटमेंट फॉल्स होगा नेक्स्ट है फिर इन द ब्लैंक्स हमें यहाँ पे ब्लैंक्स में करेक्ट आंसर फिल करने हैं अ कंप्यूटर डैश द डाटा एज़ पर रिक्वायरमेंट और इंस्ट्रक्शंस तो कंप्यूटर रिक्वायरमेंट और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग क्या करता है डाटा को प्रोसेस करता है नेक्स्ट है डैश मीन्स कंप्यूटर इज यूज एज डिफरेंट प्लेसेज फॉर डिफरेंट परपजिज किस वर्ड का मीनिंग होता है कि कंप्यूटर डिफरेंट प्लेसेस और डिफरेंट पर्पसेस से यूज़ किया जाता है तो इसका जो एक वर्ड है वो है वर्सा जो इसके हमने रेक्टर में पढ़ा था तो यहाँ पे थी थी लिखना है Next है नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ डैश दैट सेल्स द हार्डवेयर वॉट टू डू सॉफ्टवेयर क्या है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जब भी सॉफ्टवेयर का वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो हमें यहाँ पे लिखना है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नेक्स्ट है डैश ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है लाइनेक्स यहां पे लिखेंगे लाइन एक्स माइक्रोसॉफ्ट डैश हेल्प अस टू परफॉर्म कैल्कुलेशन माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हमें कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है तो वो है एक्सेल नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग यहां पे हमें दो दिए गए हैं हमें उनमें डिफ्रेंशिएशन करना है जैसे इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज यू टू एंटर डाटा इनटू कंप्यूटर तो जो ऐसे कंपोनेंट होते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट जिससे हम डाटा uh, एंटर करते हैं उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहते हैं अ हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट शोज़ द फाइनल रिजल्ट हार्डवेयर कंपोनेंट जो हमें फ़ाइनल रिजल्ट शो करते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं इसमें हम एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं इनपुट डिवाइसिस में क्या होगा माउस या फिर कीबोर्ड और आउटपुट डिवाइसिस में क्या होगा मोनीटर प्रिंटर भी लिख सकते हैं स्पीकर भी लिख सकते हैं नेक्स्ट है हमें डिफ्रेंशिएट करना है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में तो ऑल फिजिकल इक्विपमेंट्स दैट आर अटैच टू अ कंप्यूटर हर फिज़िकल इक्विपमेंट जो कंप्यूटर से अटैच होता है उसे हार्डवेयर कहते हैं और सॉफ्टवेयर क्या है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है दैट टेल्स द कंप्यूटर वट टू डू जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है जब भी कहीं हार्डवेयर आता तो आता है तो उसको फिजिकल इक्विपमेंट्स वर्ड के साथ जोड़ के देखना है और सॉफ्टवेयर आता है तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय अ कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम से आप क्या समझते हैं तो कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट वर्क टूगेदर सो इट इज कॉल्ड यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं आएगा कंप्यूटर सिस्टम आएगा क्योंकि हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में लिख रहे हैं दैट वर्कस टूगैदर सो इट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम ठीक है तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जो साथ में वर्क करते हैं इसलिए इसको कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं नेक्स्ट राइट एनी फोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर तो कंप्यूटर की फोर करेक्टरिस्टिक्स क्या है स्पीड डिलीजेंट एक्यूरेसी वर्साटिलिटी स्पीड मतलब कंप्यूटर बहुत फास्ट वर्क करता है डिलीजेंट यानी कंप्यूटर थकता नहीं है एक्यूरेसी यानी कि उसके सारे रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट होते हैं एंड वर्साटिलिटी मीन्स कि उसको हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेज पर डिफरेंट डिफरेंट परपजेज से यूज़ करते हैं नेक्स्ट है व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम सिस्टम तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की सारी ही एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड मैनेज करता है नेक्स्ट है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तो अमित इज वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर हिज टीचर आस्क हिम टू टेल द प्रिंसिपल ऑन विच द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज बेस्ड तो उसकी टीचर ने उससे पूछा कि बताओ कि कंप्यूटर सिस्टम किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है बट ही ऑर गेट्स लेकिन वो भूल गया हेल्प हिम टू टेल द आंसर आपको उसे आंसर देने में हेल्प करना है तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसपे कंप्यूटर वर्क करता है वो है आई पी ओ साइकल जिसका मीनिंग होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट नेक्स्ट है एक्टिविटी सेक्शन यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे जंबल्ड वर्ड्स दिए गए हैं जिसे रीअरेंज करना है तो ये क्या है ये जंबल वर्ड्स जब हम इसको सही करेंगे तो ये बनेगा हार्डवेयर नेक्स्ट जंबल वर्ड है सॉफ्टवेयर जब हम इसको करेक्ट करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर बनेगा तो हमें यहां पे सॉफ्टवेयर लिखना है नेक्स्ट है सिस्टम यूनिट इसके बाद जो भी एक्टिविटीज हैं ये लैब एक्टिविटी है और यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन है जहाँ पे डिस्कस करना है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में और कुछ ऑनलाइन लिंक्स हैं जिससे हम और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं सो so, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग